सलाम अब्बा। हाँ भाई रेशमा आ गई है। हाँ हाँ आ गई, ये लो आज की कमाई। भाई बिस्मिल्लाह, चल शाबाश, जल्दी से रोटी पका, भूख बड़ी लगी है। हाँ हाँ बनाती हूँ। ऐसा कर पहले चाय बना दे। सारा दिन बैठे बातें करते रहते हो तुम लोग, चाय नहीं बना सकते? जबान चलाती है बाप के आगे, जबान खींच लूंगा तेरी। चल पहले चाय बनाओ फिर रोटी, सुबह से भूखे बैठे हैं। और आप पकाने के लिए क्या लाई है? ये क्या सब्जी नजर नहीं आ रही? आज फिर सब्जी, रोज रोज सब्जी लेके आ जाती है। कल गोश्त लेके आना, मेरी बात कान खोल के सुन ले, वरना घर नहीं आना। हाँ बैरी नहीं हूँ मैं, सुन लिया। एक दो घर और पकड़ या को आस पास का दफ्तर, ताकि ज्यादा कमाई हो। तेरी उम्र की लड़कियाँ बाप की झोलियाँ भर देती हैं और तू ये लेके आती है, पूरी बिरादरी में शर्मिंदा कर देती है मुझे। हाँ तो खुद ही जाया करो ना, आप ही लगाओ दिहाड़ी। तो कमाई करना औरतों का काम है, यहाँ कौन सा मर जाता है दिहाड़ी लगाने हैं? तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है, बंदोबस्त करना पड़ेगा तेरा। चल जा रोटी बना। रोज रोज सब्जी, रोज रोज सब्जी, बेकार छोरी, दिमाग खराब करके रख दिया इसने मेरा। सब्जी सब्जी भैया भैया सुने, ये आपने शौकत अली को कहीं देखा है? नहीं शौकत तो यहाँ नहीं, तुम ऐसा करो वहां ठेकेदार बैठा है उससे पूछ लो। भाई बात सुने, वो शौकत अली को कहीं देखा है आपने? नहीं मालूम मुझे। भाई बता दे मुझे, मेरे भाई को बहुत तेज बुखार है, मुझे ढूंढना है, उनको बहुत जरूरी काम है, प्लीज बता दे। अरे कहा ना नहीं मालूम। सुनो क्या हुआ है? शौकत अली को कहीं देखा है आपने? बता सकते हैं वो कहाँ है? मेरे भाई को बहुत तेज बुखार है, उनसे पैसे लेने हैं, उसके लिए दवाई खरीदनी है। शौकत चाचा को तो नहीं देखा, पता नहीं कहाँ है, मगर चलो यहाँ पे करीब में ही एक मेडिकल स्टोर है, तुम्हें बुखार की दवाई दिला देता हूँ। नहीं आप क्यों तकलीफ करेंगे, फिर मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? पैसों का मसला नहीं है, शौकत चाचा से ले लूंगा। आओ आओ आ जाओ।